दोस्तों आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। आप मेरा ये आईडी जो है याद रखिए अभी फॉर यू, और इस दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा एड्रेस है, इस पर आना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, घंटी को क्लिक करना है, आप सब्सक्राइब हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के वेबसाइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड कैसे लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको अगर ऑनलाइन रिटर्न भरना है, अपना सारा जो भी इनकम वगैरह है उसका सारा आपको जो रिकॉर्ड वगैरह जो है ऑनलाइन रखना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप पैन कार्ड यूज करते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा, क्योंकि आजकल जो है अगर आप रिटर्न भरते भी हो तो आपको जो है उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। अगर आप खुद से रिटर्न नहीं भरते या आप किसी एजेंट के माध्यम से भरते हो, फिर भी आपको जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो ये सीखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ साथ पैन कार्ड को आधार से लिंक करना भी सिखाऊंगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है स्टेप है, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए शुरू से अंत तक। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको जो है गूगल पर जाना है, वहाँ लिखना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग, या डायरेक्टोरेट कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ई फाइलिंग होम पेज, ठीक है, इनकम टैक्स इंडिया का। इसको ओपन करना है वेबसाइट को। उसके बाद जो है यहाँ पर कोना में देखोगे आपको रजिस्टर योर सेल्फ लिखा होगा, तो इसको आपको क्लिक करके रजिस्टर करना है। क्लिक करोगे इसको तो आपको यहाँ पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा, आपका कौन हो, आपका जो टाइप है पैन कार्ड जो आप अप्लाई किए हो, किस हैसियत से किए हो, यहाँ पर डालना है। मान लीजिए आप इंडिविजुअल हो तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू को क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड का डिटेल डालना है, आपका पैन कार्ड नंबर, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू यहाँ जो बटन है इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपना यूजर आईडी आप बना लीजिए। सॉरी, देखिए यूजर आईडी जो है आपका पैन कार्ड होगा, जो आपका पैन कार्ड नंबर होगा वही यूजर आईडी आपका होगा, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन होगा। और यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो पासवर्ड है इसके लिए आपको यहाँ पर हेल्प दिया गया है, पासवर्ड कैसा बनेगा उसका, उसके लिए साइड में ये पूरा लिखा हुआ उसके बारे में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पासवर्ड यहाँ पर आप बना लीजिए। उसके बाद अपना प्राइमरी क्वेश्चन वगैरह सेकंड क्वेश्चन आप डाल लीजिए, पासवर्ड आपका कहीं खो जाता है तो आपको ये हेल्प करेगा। तो अपना सेकंड क्वेश्चन आंसर वगैरह ये रेडी कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद जो है आपको नीचे का डिटेल्स वगैरह भरना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डाल देना है, डिटेल्स, अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, सब कुछ आपका डालने के बाद जो है आपको नीचे में कैप्चा कोड डालने के बाद जो है यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ई फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन आपका जो एक एक्टिवेशन लिंक जो है आपके ईमेल आईडी पर, जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन लिंक आपको गया है उसको क्लिक करना होगा। साथ में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर भी गया है, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला है। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी आप ओपन कर लीजिए। अपना ईमेल आईडी आप ओपन करोगे तो आप मेल मिलेगा आपको ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन लिंक, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, मेल खुल जाएगा, मेल के अंदर में एक लिंक होगा, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक कीजिए, उसके बाद मोबाइल पिन डालना है, मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, उस पिन को आप ओटीपी जो कोड है या पिन उसको आप यहाँ इंटर करके सबमिट को क्लिक कर दीजिए। तो फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मैसेज आएगा, दिस यूजर द यूजर आईडी इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ होम को क्लिक करना है, होम को क्लिक कीजिए, और उसके बाद फिर से दोबारा आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना यूजर आईडी आपका जो होगा पैन कार्ड ही होगा, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने बनाया है, और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपको मैसेज आएगा कि आपको आधार यहाँ पर लिंक करने का जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड डिटेल पहले से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, आपका जो आधार नंबर है उसको यहाँ पर डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, और यहाँ लिंक नाउ बटन है इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा, आधार पैन लिंकेज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपका आधार जो है लिंक हो चुका है पैन कार्ड से। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप क्या करो कि प्रोफाइल सेटिंग के अंदर में जाइए, यहाँ पर लिंक आधार है इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिर आप देखोगे कि आपका मैसेज आएगा, योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, मतलब कि आपका ये वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो काम। यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और साथ में ये भी सिखा दिया कि कैसे आधार को पैन कार्ड से लिंक करना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ये मेरा आईडी है, इसको नोट कीजिए और दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए।
लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं इस तरह का बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप उसको वॉच कर सकें। थैंक यू।